हे हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग के किधर हवा। नाम किरण कौर फहद। आप सोचोगे मैं ऐसे कैसे आ गई। असल में मैंने अभी फिनिश किया है अपना वर्कआउट, और वर्कआउट फिनिश करने के बाद मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि आज मेरा शैम्पू डे है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो में मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, आप सभी लोग बहुत बोलते हैं ना कि दीदी हमारे बाल बहुत कमजोर हैं, जब ऑयलिंग करते तो बहुत बाल झड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को स्कैल्प में पेन भी रहता है, और जिनके बहुत कमजोर से बाल हैं उनके बाल तो बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट पे हमें बात करनी चाहिए जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सके। तो जैसे में क्या होता है, हम जब ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग एक तो कोई चमत्कार नहीं होती है, लेकिन वो एक तरीके का लुब्रिकेंट मुझे नहीं पता सही वर्ड है कि नहीं है, बट वो एक ऐसी ग्रीसी चीज है समझ लीजिए, कि जिससे आपको मालिश करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि स्कैल्प तो एक्चुअली एक ड्राई पार्ट है ना बॉडी का, मतलब ऐसे आप छूते हो तो ड्राई तो है, इसमें क्या है अपना। तो आपकी बॉडी से जो भी नेचुरल ऑयल रिलीज होता है वो एक तो इनको हेल्दी बनाए रखता है, दूसरा जब आप बाहर से इनको नरिश करते तो ये हेल्दी बनता है। स्कैल्प जो है वो ड्राई नहीं होती है, बेसिक सा काम ये होता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर आपको ऑयल लगाने से इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि पेन भी होता है और वो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, या आप ऑयल नहीं भी लगाना चाहते हो, तो मैं एक ऐसा ही ट्रीटमेंट आपको बता सकती हूँ कि जिसको आप लगा के थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो। और इस ट्रीटमेंट को लगाने के बाद कम से कम 2 हफ्ता ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यार ये क्या है, इससे क्या होगा, तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है इस बात के लिए, सिर्फ आपको 2 हफ्ते ट्राई करके देखना है। 2 हफ्ते में अगर आप 2 बार, 1 हफ्ते मतलब 1 बार धोते हो, तो इस तरीके से आप 4 वॉश में इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो आपको अंदाजा हो जाएगा एक मोटा मोटा कि आपको मतलब हेल्प हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क, बहुत नहीं लेना है, ठीक है। और मिल्क किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो टोन मिल्क हो, डबल टोन मिल्क हो, कुछ इस तरीके का कोई भी मतलब नहीं है। आपके घर में गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर वाला, जैसे गाय का दूध थोड़ा पतला होता है लेकिन भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है। मदर डेयरी नहीं, मतलब कोई भी आप बाहर से पॉलीपैक वाला, पैकेट वाला कोई भी दूध लाइए, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इतनी मात्रा ली है बस, क्योंकि स्कैल्प पे लगाना होता है। आप चाहो तो थोड़ा सा ज्यादा और ले सकते हो, जैसे मेरे बाल थोड़े बड़े हैं तो मैं ज्यादा ले रही हूँ, आपको थोड़ा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ये हमने ले लिया, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर वाला है हम लोग ये दूध मैंने लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं जो ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं, वो इसमें ये वाला पार्ट ऐड ना करें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला दिया है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिनके बाल झड़ रहे हैं और जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, वो इसमें दूध में कोई भी तेल, नॉट ऑलिव ऑयल, आप कलौंजी वाला तेल, आप करी पत्ते वाला ऑयल, या फिर आप नारियल वाला तेल, या फिर आंवले का तेल, कोई भी तेल मिला सकते हैं। लेकिन जिन्हें तेल नहीं लगाना है, जिनके बाल बहुत टूट रहे हैं और जिन्हें हाथ लगाते हुए भी स्कैल्प में बहुत पेन होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ दूध लगाना है, ठीक। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बालों में लगाएंगे। कि मेरे स्कैल्प पेन वगैरह हो तो मैं इसको आराम से लगा सकती हूँ, तो मैंने इसमें ऑयल मिलाया है। लेकिन अगर आपको बहुत पेन होता है, आपको तकलीफ होती है, तो आपको इसमें तेल नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ दूध डाल के भी आप अपने बालों की मसाज कर सकते हो, ओके। तो मैंने आपको बोला था ना, मैंने हेयर कट किया था अपने आप ही घर से, मैं आपको बोला था मैं पार्टीशन चेंज करती रहती हूँ, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। आई है यार, पता है इतना वर्कआउट के बाद पसीना आता है ना कि बस टाइट फिस हो जाती है उसी से, तो इस तरीके का मैंने किया था। और मैं आपको बताऊँ, उसकी वजह से मुझे इतना बेनिफिट हुआ है, मुझे मतलब फिर से ऐसा जो मेरा खालीपन लगने लग गया था वो नहीं लग रहा है। अब देखो, आपके पास अगर कॉटन हो तो कॉटन लीजिएगा, मेरे पास कॉटन नहीं है, तो मैंने एक मेरा मास्क था जो कि सिर्फ एवं ही मास्क है, इसमें कुछ है नहीं है सच, कोई केमिकल वगैरह, तो मैं इसको लगा रही हूं। और ये ऐसे से करके दूध आपको लगाना है अपने स्कैल्प पे। आई नो आपको लगेगा कि इससे तो कुछ लग ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छे से लगाना है ऐसे से करके।
अब देखिए जैसे बिल्कुल जैसे ये होते होने लगे ना पहले, थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा। ठीक है, ये दूध ही आपको ऐसा लगाना है। ठीक है, जिनको भी स्कैल्प पेन है वो, और बहुत सारे लोग इस समय जैसे कि यास्मीन है उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो यास्मीन जैसे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा, इतना ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं लगा पा रहे होंगे कि ऑयलिंग कर पाए ये सब कर पाए, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो अपनी स्किन पे, है ना, स्कैल्प पे ऐसा लगा के सारी साइड लगाना है ना। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं मेरी एक फ्रेंड है, दिल्ली में रहती हैं वो, मैं उनकी शादी में गई थी जब, तो उनकी मतलब एक और फ्रेंड थी तो वो भी शादी में ही थी, वो लोग साथ में जॉब करते थे पहले, तो मैं उनसे मिली तो उनके बाल बहुत अच्छे और बहुत लंबे पतले, मतलब पतले गए, वो बहुत पतली थी और उनके बाल बहुत लंबे थे और अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं जिनके बाल लंबे होते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं दिखते हैं, मतलब ड्राई होते हैं कुछ, मतलब बुरा नहीं है ये भी अच्छा है भाई, ठीक है, नहीं हो पाती है केयर, या ये सब तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई कैसे आपको कुदरत ने कोई चीज दी है ना, तो वो भी है एक चीज। तो मैंने उनसे तब पूछा था कि कृतिका नाम था उनका, मैंने कहा कृतिका आप क्या लगाते हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो उसने मुझे बोला कि वो कभी ऑयलिंग नहीं करती है, बस क्या करती है कि जब भी उसको बाल धोने होते हैं ना तो बाल धोने से पहले एक घंटा पहले अपने बालों में ये मिल्क लगाती हैं। तो मुझे वही बात आज ध्यान में आई कि हाँ, तब उन्होंने मुझे बताया था कि उनको टाइफाइड हुआ था तो उसकी वजह से ना उनके वो होता था स्कैल्प में पेन, तो वो बोल रही थी कि मैं कम से कम एक डेढ़ साल से ऐसा ही कर रही हूँ और बाल बहुत बड़े थे, तो कहती कि मुझे तो पूरा एक पैकेट लगाना पड़ता है बालों में। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो आगे के हिस्से पे तो मैंने पूरा लगा लिया, मुझे बिना देखे ऐसे ही पीछे की तरफ भी लगाना है। जहां जहां भी लगे ना आपको, भाई ये मिल्क में भी तो प्रोटीन ही है ना, जो प्रोटीन जब आपके बालों में लगेगा तो ये भी आपको फायदा देगा। ठीक है, ऐसे करके ना जो बच रहा है लग रहा है ना, क्योंकि अब पूरा का पूरा इतना अच्छा दूध थोड़ी फेंक सकते हैं, तो अपने कॉटन हो तो कॉटन लगा ले लीजिएगा, मेरे पास कॉटन है नहीं और मुझे मंगवाना याद दे रहा है भी, बट वो कहीं है मुझे मिल नहीं रहा, अगर मैं उसके चक्कर में लगी ना मेरा बहुत टाइम खराब हो जाएगा, फिर वीडियो नहीं आ पाती है। अच्छा, और आप सभी लोगों को मैंने थैंक्स तो बोला ही नहीं यार, आप लोग मेरी कितनी हेल्प करी है, आप लोगों की वजह से मेरा 7000 का एक सर्कल बना है, ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से ही तो है, और ये जो हम सब कर रहे हैं ना ये सब भी आप लोगों की पावर है। सपोज अगर मैं कुछ भी बना दूं और आप लोग देखो ही ना तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप ही वो स्ट्रेंथ है मेरी। ठीक है, इसलिए हमेशा 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 अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए
और हेल्दी और हैप्पी रहा कीजिए। अब मैंने ना लगभग लगभग पूरे बालों में लगा लिया है, ठीक फिनिश होने वाला है थोड़ा सा ही, जो मैं ऐसे ऐसे करके लगा लेती हूँ। जहां मुझे लगेगा ना कि जरूरत है लगाने की, वहां वहीं मैंने लगा लेना है ना। अब जो है हम धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं बहुत तेज तेज करना है क्योंकि आपके बाल टूट रहे हैं, ठीक है, हल्की सी मसाज ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से हो, ठीक है। और एक फ्लावर टाइप की चीज आती है, अगर आपने देखी हो तो, कभी आप घूमने के लिए कहीं गए होंगे ना, फ्लावर जैसी होती है वो, पीछे से उसको ऐसे ऐसा डाल के करते हैं लोग, ऐसे ऐसे मसाज करते हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हो, उससे भी ऐसे बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है। मेरे पास थी पहले बट अब मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही मतलब इन द सेंस कि वो टूट गई है, टूट गई है। मेरे घर में भतीजे आई थी मेरी, तो छोटी वाली ने उसको काम तमाम कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके मसाज करनी है। पीछे की भी अच्छे से मसाज कीजिएगा। जैसे जैसे आप बालों में मसाज करोगे ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता चला जाएगा और यही ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो आप कहते ना हमारे बाल निकल जाते हैं खींचते ही, देखो मेरे भी निकलते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। दिख रहा है क्या आपको? देखो निकल रहे हैं ना, निकलते हैं बाल यार, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं होती है। बस आपको अच्छे से आगे पीछे से यहां से मतलब इनको मसाज देनी है, आगे पीछे सब तरीके से। तो अब मैं बालों को थोड़ा सा बांध लेती हूँ और इस तरीके से हमें अपने बाल लगभग तो इस तरीके से हमें अपने बाल जो है ना लगभग 30 मिनट के लिए ऐसे रहने देने हैं, ठीक। 30 मिनट के जो बाल है हम अपने बाल में शैम्पू करेंगे, और क्योंकि मैंने कपड़े धोने हैं तो मैं वॉशरूम में जाऊंगी, वॉशरूम नहीं बाथरूम में जाऊंगी, और पहले कपड़े धोएंगे एंड तब तक आधा घंटा हो जाएगा, तो फिर हम शैम्पू कर लेंगे और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। एंड तब तक आप भी कुछ अपना काम धाम कर लीजिए और फिर हमारी मुलाकात हो जाएगी और हमें हेयर केयर के बारे में पता चल जाएगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो आफ्टर वॉश मेरे हेयर अच्छे लग रहे हैं ना, सही लग रहे हैं ना। मैंने आपको बताया कि एक सिंपल से रेमेडी जिसकी वजह से आप अपना जो ऑयल की वजह से जो आपको ईचिंग होती है या फिर आपको लगता है कि यार बाल बहुत टूट रहे हैं उससे थोड़ी निजात पा सकते हो, या फिर ऑयल की मात्रा कम और हमारे जो दूध है उसकी मात्रा ज्यादा, मतलब कि अगर हमने दूध लिया है 5 चम्मच तो ऑयल उसमें होगा 1/2 चम्मच, ऐसे करके भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको आसानी से अपना जो आपका बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं उससे निजात पाने में मदद मिलेगी और आपके बाल एकदम हेल्दी और हैप्पी हो जाएंगे।
और फिर आज का वीडियो बहुत ज्यादा मैंने बोल लिया है और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैंने आज प्रण लिया है कि मैं आज आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी कुछ चीजें कंटेंट इकट्ठा करूंगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगी। तो कंटेंट इकट्ठा करना है, इसलिए बाय बाय।